रॉयल इनफील्ड स्क्रैम 411 क्या ये शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर आपके साथ में। मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑटो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्क्रैम 411 के बारे में कि इसको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी और स्क्रैम्बलर का मतलब क्या है। तो ये बाइक जो है बेसिकली हिमालयन के ऊपर ही बेस्ड है, उसका स्क्रैम्बलर वर्जन है और वो नाम के साथ भी मेंशन होता है हिमालयन स्क्रैम 411। अब स्क्रैम्बलर बाइक्स होती क्या है, स्क्रैम्बलर अगर आप देखते हो तो वो बाइक्स को कहा जाता है जो कि सिटी के अंदर भी यूज़ हो सकें, जिनके साथ में अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहो तो वो भी कर सको, जो कि लाइट वेट हों और पंची परफॉर्मेंस आपको देती हों। तो अगर आप इसको हिमालयन में देखोगे तो वो एक एडवेंचर बाइक थी और यहाँ पर आपको ज़रूरत थी स्क्रैम्बलर की, तो रॉयल इनफील्ड ने स्क्रैम 411 को बनाया है। ये तो थी बात स्क्रैम्बलर की। अब बात करेंगे इस वीडियो के मेन टॉपिक की जो कि है हाइट और वेट से रिलेटेड। तो ये बाइक जो है वो रॉयल इनफील्ड की अगर दूसरी बाइक से आप कंपेयर करते हो तो उनके कंपैरिजन में इसकी सीट हाइट जो है वो काफ़ी कम है। 795 mm सीट हाइट के साथ में बाइक हमें देखने को मिलती है और जो इसका वेट है वो भी काफ़ी कम आपको मिलता है। 185 kg कर्व वेट के साथ में हमें ये बाइक देखने को मिलती है। अगर हिमालयन से आप कंपेयर करते हो तो वो आपको 199 kg वेट के साथ देखने को मिलती है और इससे लाइट वेट मोटरसाइकिल अगर आपको आरी लाइनअप के अंदर देखने को मिलती है तो वो केवल हंटर आपको मिलेगी, जो कि इससे 4 kg वजन कम है जिसका। बात करते हैं अब हाइट के बारे में। तो मेरी हाइट जो है 5'8" है। अगर मैं इस बाइक के ऊपर बैठता हूँ तो मैं काफ़ी आराम से इस बाइक के ऊपर बैठ सकता हूँ, दोनों पैर मेरे आराम से आते हैं। और जिन लोगों की हाइट मेरी हाइट के आसपास है या मेरे से थोड़ी कम है, अगर आपकी हाइट 5.5 के आसपास भी है तब भी आपके पैर जो है वो आराम से इस बाइक के ऊपर आ जाएंगे, आप इस बाइक को आराम से चला पाओगे। अब सिटी के अंदर आप चला सकते हो, सिटी के अंदर आपको चलाने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये स्क्रैम्बलर है इसको आप सिटी के अंदर तो चला ही सकते हो और अगर आपको कभी ऑफ रोड जाना है तो वो भी आप इसके साथ में कर सकते हो। बाइक तो उसके लिए कैपेबल है, आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो सिटिंग पोस्चर है वो कंफर्टेबल देखने को मिलता है। साथ ही अगर आपको इस पे सैडलिंग करना है यानी कि बाइक के ऊपर आपको ऐसे खड़े होकर चलना है तो वो भी आप काफ़ी आराम से कर सकते हो क्योंकि इसका हैंडल जो है वो काफ़ी ऊँचा रखा गया है। साथ ही बाइक का जो वेट है वो काफ़ी कम है, 185 kg वेट होने की वजह से अगर इसके साथ में आप हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग करते हो तो आप वो कर पाते हो, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मैंने किया है और वो आप शॉर्ट्स देख सकते हो वीडियो के अंदर। तो अगर आप एक ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जिसके साथ में आप सिटी राइड कर सकें, जिसके साथ में आप हल्का फुल्का ऑफ रोड अगर जाना चाहें वो कर सकें और सिटी ट्रैफिक को भी आप आराम से टैकल कर सकें तो हिमालयन स्क्रैम 411 जो है आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। और इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।